हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पकौड़ा। यह बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में चिकन के पीसेस ले लेंगे। आप बोनलेस या बोन वाले जो भी पीसेस आपको ठीक लगे आप वो पीस ले सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी मिला देंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें एक चम्मच मीट मसाला मिला देंगे। मैंने यह रेसिपी बाज़ार में जो चिकन पकौड़ा बनाते हैं उन भैया से सीखी है। वो चिकन मसाले की जगह मीट मसाले का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो और बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह एक चम्मच चिकन तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसमें एक टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और दो चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिला देंगे और लास्ट में इसमें चुटकी भर रेड फूड कलर ऐड करेंगे। बाज़ार में जो चिकन पकौड़ा मिलता है वो बिल्कुल लाल रंग का होता है, उसका रीज़न इसमें डालने वाला रेड फूड कलर है। आप चाहें तो रेड फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिलाकर चिकन पर कोट कर देना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आप पहले ही मसालों के साथ नमक ऐड कर दें। मैं नमक को पहले ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैं इसे अभी डाल रही हूँ। नमक को भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। जितनी ज़्यादा देर के लिए ढककर रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कम समय है तो इसे आधे घंटे के लिए दो ढककर रखें। चिकन अच्छे से सेट हो गया, अब इसे डीप फ्राई कर लेंगे। मैं इसे सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें एक एक करके चिकन पीसेस डाल देंगे। आप इसे किसी भी कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। सारे पीसेस को ऑयल में डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे चलाना नहीं है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। 4 से 5 मिनट बाद इसे चला लेंगे और चलाकर पीसेस को थोड़ा पलट लेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाए। इन्हें बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे बीच बीच में चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो यह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए चिकन पीसेस अच्छे से पक गए हैं, यह बाहर से काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। आप चाहें तो एक पीस निकाल कर चेक कर लें। और इसी के साथ चिकन पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। आप इन पकौड़ों को पहले ही मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें और खाने से थोड़ी देर पहले इन्हें फ्राई कर लें। चिकन पकौड़ा बनाने की यह बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।